हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज का ये जो वीडियो है वो एक छोटा सा यार्न रिव्यू है। तो मुझे थोड़े दिन पहले प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स करके एक स्टोर है, मुंबई बेस्ड आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर, तो उन्होंने एक पीआर का एक पैकेज भेजा था यार्न का रिव्यू करने के लिए। तो मेरे पास दो डिफरेंट टाइप्स के यार्न्स हैं, ये हैंक्स में आता है। तो ये जो पहला वाला है ये है गुल इरा का 3-ply का कॉटन यार्न, ये कॉटन यार्न है, और ये भी सेम गुलेरा 6-ply का कॉटन यार्न है। तो इसका रिव्यू मैं आज करूँगी। तो पहले मैं 3-ply से स्टार्ट करती हूँ। तो हम पहले तो ये 3-ply जो यार्न है उसका रिव्यू करेंगे। तो ये हैंक्स में मिलता है, आपको इसको बॉल बनाना होगा। तो मैंने इसको थोड़ा निकाला था कैसा है इसको देखने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये 6 धागों का एक स्ट्रैंड है, इसमें 6 धागे हैं और उसका एक लूसली मेड एक स्ट्रैंड मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 90 रुपीज़ है, मगर उनके साइट में आपको ये 75 रुपीज़ में मिलेगा। इसका यार्डेज ऑलमोस्ट 275 से 300 मीटर्स तक है ये, और ये 100 ग्राम में पड़ेगा आपको। इसका रिकमेंडेड हुक साइज 2.75 से 3.25 है, मगर मैंने देखा था मुझे इसमें सबसे अच्छा 3 mm का हुक लगा। मैंने 3.5 करने की कोशिश की, वो थोड़ा सा लूज हो रहा था, स्टिचेस उतने टाइट नहीं बैठ रहे थे, मगर अगर आप 3 mm के क्रोशे के हुक से करेंगे तो बहुत अच्छा है आएगा। अब आप इसकी टेक्सचर की अगर हम बात करें तो ये प्योर कॉटन है, सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत लाइट वेट है। अगर आप डिफरेंट, मैं इसके बाद इसका कंपैरिजन दूसरे कॉटन यार्न से भी करूंगी, तो उस हिसाब से देखें तो ये कॉटन बहुत ही सॉफ्ट है और ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब ये ब्रीथेबल होगा, साथ ही में ये लाइट वेट है। तो अगर आप बच्चों के लिए अगर टॉप्स फ्रॉक्स ये समर में ही यूज़ कीजिए, विंटर में ये उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये समर के लिए बहुत अच्छा है ये ज़्यादातर, क्योंकि ये सॉफ्ट है, आप इसको बच्चों के लिए और आपके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था 3-ply का। अब मैं बात करती हूँ 6-ply का, यहाँ भी 2 है। ये मेहंदी कलर में आया है और ये ऑलमोस्ट ब्राउनिश येलो कलर का है, तो इसको भी मैंने निकाला था। ये उनका न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, ये 6-ply का है। देखिए ये अच्छा खासा थिक है, मगर इसका ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा रफ है। उनकी वेबसाइट में भी दिया है, बहुत क्लियरली दिया है। तो ये आप बच्चों के लिए ना ही यूज़ करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ मटेरियल में आएगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, जो पर्स आप बनाते हैं, बैग्स और पर्सेस, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये 6-ply का है तो बैग्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अगर आप इसको, ये चेनलेट है, ये देखिए, ये मेरे पास एक और यार्न है, ये एक्चुअली पर्स का थ्रेड है। तो इसी हिसाब में आपको, देखिए अगर आप देख सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेम चेनलेट की तरह ही है और ये बहुत मोटा है। इसमें जो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा एक शाइन है, इसमें इतना ज़्यादा शाइन नहीं आएगा। तो आप इसको थाल पोज डॉयली जो है उसमें भी ये बहुत अच्छे से आएगा। अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 190 है, मगर आपको साइट में 155 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसका रेकमेंडेड हुक साइज है 3.5 से 5 mm तक। तो इसको आप बच्चों के लिए ना ही यूज़ करें तो अच्छा होगा, थोड़ा सा रफ सरफेस है इसके लिए। अब मैं इसका थोड़ा कंपैरिजन दूसरे यार्न के साथ करना चाहती हूँ। तो ये जो है, ये है हमारा 6-ply का यार्न और ये है, मैं यहाँ पूरा का पूरा कॉटन यार्न के बारे में यूज बता रही हूँ, और ये है 3-ply का यार्न। तो अगर आप देख सकते हैं तो द थिकनेस है, एक मिनट, ये है इसका थिकनेस। मैं इसके साथ, मैंने पहले भी मेरे चैनल में, ये है कॉटन का एंकर का 4-ply का कॉटन यार्न, उसके साथ मैं इसको कंपेयर करूंगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है, ये थोड़ा लूसली वाउंड है। तो क्या होगा, शायद आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये हो सकता है आपका हुक इसके अंदर बीच बीच में चला जाए, मगर जैसे जैसे आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है 3-ply,
ये है फोर प्लाई, ये है मेरा सिक्स प्लाई। इसके साथ मैं आपको एक लॉरा का जो कॉटन का निटिंग यार्न है, ये ऑलमोस्ट बहुत ही थिक है। तो ये है मेरा लॉरा का, लॉरा काफ़ी थिक है, लॉरा फोर प्लाई का है। लॉरा और ये ऑलमोस्ट सेम है, मगर अगर आप देखेंगे तो लॉरा थोड़ा थिकनेस ज़्यादा दिखाई देता है। मगर लॉरा को, लॉरा का उनका रिकमेंडेड हुक साइज 4 mm से 4.5 तक जा सकते हैं। मैं लॉरा हमेशा 5 mm यूज़ करती हूँ, तो इसमें भी आप इसको 5 mm, जो आपका सिक्स प्लाई का गुलेरा यान है उसको भी आप 5 mm से यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े यान्स हैं। साथ ही में मेरे पास एक और जो कॉटन यान है वो है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला जो एंकर का निटिंग कॉटन यान है, ये है। इसका रिकमेंडेड हुक साइज है 2.5 से 3 mm। तो मैं इसका, मैंने डिटेल में ये जो एंकर का जो कॉटन का यान है उसका मैंने डिटेल में वीडियो किया था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये सबसे थिकनेस कम है, ये मेरा 3 ply का है, ये मेरा 4 ply कॉटन है, ये है 6 ply का चेन लेट जो अभी दिखाया था, और ये है लॉरा का। तो ये है थोड़े कॉटन्स के यान्स। देखिए इस तरह से आएगा, देखिए ये है थिकनेस, अगर आपको देखना है तो इस तरह से आएगा। आप इन दोनों का थिकनेस कंपेयर कर सकते हैं, लॉरा और 6 ply का। अगर आप एंकर 4 ply से इसके कंपेयर करें तो ये छोटा है, क्योंकि ये 3 ply का है और एंकर 4 ply का है। एंकर का मैंने डिटेल में वीडियो पहले दिया था, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और दो यार्न्स आपको जस्ट दिखाना चाहती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये है बहुत ही थिक वाला, ये 12 ply का बल्की यार्न है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये सॉरी ये एक्राइलिक है, ये कॉटन का नहीं है, और ये है 8 ply का यार्न। उसको मैं इसके साथ अगर मैं दिखा देती हूँ कितना थिकनेस में डिफरेंस है, तो अगर आप देखेंगे तो ये है 6 ply, ये है 8 ply और ये है 12 ply। ये दोनों एक्राइलिक है और सिर्फ यही एक कॉटन का है। तो ये है थिकनेस का, मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब पहले वीडियो किया था तो उन्होंने उसमें किसी ने बताया था, आप जो यान बता रही हैं उनका उसका एंड प्रोडक्ट भी अगर आप दिखा सकती हैं तो दिखा लीजिए। तो ये मैंने जो मैंने यहाँ जो 8 ply का किया था उससे बनाया है ये स्वेटर और ये एक स्कार्फ। 8 ply में बहुत अच्छा आएगा कॉटन, आप समर के लिए रख लीजिए। तो ये है 8 ply से जो बनाया था, इसका सब वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मैंने पहले जैसे कहा था, इसका जो रिव्यू किया था उसमें मैं इसका एंड प्रोडक्ट दिखाना भूल गई थी, तो मैंने एक बच्चे का सॉक्स बनाया था। और अगर आप 3 ply से बनाना चाहते हैं इससे भी बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए, समर सीजन में एटलीस्ट बहुत अच्छा है। इससे आप जो टॉप बना सकते हैं वो बहुत लेसी टाइप में होगा। ये जो 4 ply का एंकर और 3 ply का गुरिल्ला यान है उसमें जो डिफरेंस मैं बता सकती हूँ वो है शाइन। तो अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सिल्की फिनिश है, सिल्की सैटन फिनिश है, ये प्योर आपका कॉटन है। तो इसमें स्मूथनेस और सॉफ्टनेस 4 ply के कॉटन यान में ज़्यादा है, मगर अगर प्राइस वाइज कंपेयर करें तो मुझे लगता है ये क्योंकि हैंग्स में मिलता है बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप प्राइस वाइज में कंपेयर करें तो 3 ply गुलेला बहुत अच्छा है। तो ये है मेरे थोड़े यान्स और उससे बनाए हुए आइटम्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो 6 ply है ये आप इनका न्यूली लॉन्च्ड यान है, बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक में से ख़त्म हो जाता है, तो ट्राई कर अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये था मेरा यान का रिव्यू, उम्मीद है आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आपने इसे यूज़ किया है, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है, आप क्या बनाते हैं, इसका प्रोज और कॉन्स जो मैंने कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, किसी ना किसी को तो फ़ायदा हो ही जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं और आपको अगर डिज़ाइन देखने हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।